एक ओर तो देश में त्योहार का खुमार है, वहीं दूसरी ओर नीतीश के बिहार में कच्ची शराब से हाहाकार है। कहने को तो देश में चार राज्य गुजरात, नागालैंड, मणिपुर के साथ ही बिहार में शराबबंदी है, लेकिन वो शराबबंदी जिसको नीतीश अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं, वो सत्ता पक्ष के लिए गले की हड्डी बनी हुई है। कच्ची शराब से बिहार में हुई मौत के बाद पूरे देश में नीतीश की शराबबंदी सवालों के घेरे में है। आंकड़ों की माने तो बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजों पर ही लागू है, क्योंकि एक ओर तो घर घर अंग्रेजी शराब की डिलीवरी हो रही है, वहीं दूसरी ओर जिलेवार कच्ची शराब का नेटवर्क भी चल रहा है। इस तरह की कच्ची शराब की वजह से बिहार में पिछले कुछ दिनों में लगभग 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले एक साल की अगर बात की जाए तो लगभग 100 लोगों की कच्ची शराब से जान जा चुकी है। पिछले कुछ दिनों में लगातार हुई मौत के बाद विपक्ष ढोल पीटकर शराबबंदी की पोल खोल रहा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बिहार में शराबबंदी फेल है, सिर्फ कागजों पर ही बिहार में शराबबंदी है। शराबबंदी वाले बिहार में कच्ची का जहरीला नेटवर्क चल रहा है, खुलेआम अंग्रेजी शराब की होम डिलीवरी हो रही है, सत्ता के संरक्षण में शराब का अवैध कारोबार चल रहा है। पुलिस की कार्यवाही में गरीब तो फंस जाते हैं, लेकिन बड़ी मछली और शराब माफिया बच जाते हैं। बिहार में शराब तस्कर समानांतर अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। वही वर्तमान परिस्थिति में बैकफुट पर सत्ता पक्ष है और शराबबंदी की हार पर सुशासन बाबू पलटवार कर रहे हैं। नीतीश कह रहे हैं कि कानून कितना भी सख्त हो, कुछ लोग गड़बड़ी करेंगे। अगर कहीं विपक्ष को गड़बड़ी दिखाई देती है तो इसको मुद्दा बनाने की बजाय दिए गए टोल फ्री नंबर पर गड़बड़ी की सूचना दे। साथ ही जेडीयू के प्रवक्ता ये भी दावा करते हैं कि कच्ची शराब से हर जगह मौत होती है। दावा ये भी किया जाता है कि शराबबंदी के फैसले से महिला संतुष्ट है। इसके अलावा शराबबंदी के कई पॉजिटिव इफेक्ट भी सत्ता पक्ष दिखाती है। दावा ये किया जाता है कि शराबबंदी के बाद बिहार में ड्रिंक एंड ड्राइव से मौत के मामले न के बराबर हुए हैं। वहीं बिहार में शराबबंदी के बाद अपराध भी घटा है, लेकिन इन सब के बीच शराबबंदी के 5 साल हो चुके हैं, जनता बेहाल है। बता दें कि 9 जुलाई 2015 को नीतीश ने शराबबंदी का वादा किया था। 1 अप्रैल 2016 को देसी शराब बिहार में बैन कर दी गई थी। फिर 5 अप्रैल 2016 को अंग्रेजी शराब बैन की गई, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार 16 नवंबर 2021 को शराबबंदी की समीक्षा की बात कह रहे हैं। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर सिमट जाने के बाद नीतीश कुमार ने 2015 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं की मांग पर वादा ये कर दिया कि अगर सत्ता वापसी हुई तो शराबबंदी बिहार में लागू किया जाएगा। नीतीश की कोशिश ये थी कि राजनेता से आगे बढ़कर समाज सुधारक की छवि बनाई जाए, साथ ही महिला वोटर को भी नीतीश कुमार शराबबंदी के जरिए साधने का दावा करते हैं। लेकिन राजनीति के जानकार तो यही मानते हैं कि शराबबंदी से नीतीश कुमार को चुनावी या सियासी फायदा चाहे जो हुआ हो, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि शराबबंदी वाले बिहार में अंग्रेजी भी मिल रही है और कच्ची शराब से मौत का सिलसिला भी शराबबंदी पर सवाल उठाने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।